फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं सपना स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉग सपना में। तो मेरी मोबाइल थोड़ी ख़राब हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि धुंधला धुंधला सा वीडियो आ रहा है, बट आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मैंने बनाने के लिए दिया था, बट वहाँ पर वो अच्छे से बनाया नहीं है, तो कल फिर जाएगी बनने के लिए मोबाइल। तो आप लोग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हेयर की वीडियो बनाइए, हेयर की वीडियो। तो मैंने सोचा एक दो वीडियो आप लोग के लिए शूट कर देती हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपने मतलब बालों को फोल्ड करके, चोटी ब्रेड्स फोल्ड करके मतलब वीडियो बनाइए, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। वो उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की है कि मतलब जल्दी से बना दीजिए, तो मैं उनके लिए आज ये वीडियो बनाने वाली हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि मैंने कैसे कैसे बनाया, क्या बनाया। तो वीडियो में चलने से पहले मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल को पहले से सपोर्ट करें वो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो पसंद आता है, जिसकी रिक्वेस्ट है, अगर उनको ये पसंद आता है तो वो एक दो तीन चार पाँच लोगों को ज़रूर शेयर करें, ना पाँच लोगों को शेयर कर सके तो एक लोग को ज़रूर शेयर करें। तो जिनकी रिक्वेस्ट मैं पूरी करती हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और जल्दी जल्दी आप लोग मेरा वीडियो देखिए, पूरा देखा करिए, आप लोग स्किप मत किया करिए, क्योंकि जो है स्किप करके आप लोग देखेंगे तो मेरा वॉच टाइम जल्दी नहीं बढ़ेगा, वॉच टाइम जल्दी बढ़ाइए। किसी का रिक्वेस्ट आया, सॉरी किसी का कमेंट आया, उन्होंने बोला है कि आप लाइव आइए, तो शायद जहाँ तक मुझे पता है कि यूट्यूब में अभी लाइव आने का ऑप्शन नहीं है। जब तक कि 1 लाख के 10,000 कितने सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते तब तक लाइव नहीं आ सकते, अभी यही मैं जानती हूँ। बट मैं सर्च करूँगी कि मतलब लाइव आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, बट उन्होंने कहा कि लाइव आइए तो आपका व्यूज़ बढ़ेगा और आपका जो है चैनल ग्रो करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो सब लोग लाइव आके ही अपना उभरा लेते हो, सब्सक्राइबर बढ़ा लेते। तो चलिए, लाइव आऊँगी, मैं मिलूँगी आप लोगों से, क्योंकि मेरी भी इच्छा है सबसे मिलने की, तो मिलूँगी सबसे मैं लाइव आके। बस आप लोग वेट करिए और जल्दी जल्दी मेरा सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्दी लाइव आऊँगी और जल्दी जल्दी मेरा चैनल ग्रो खुद ही होगा जब आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए मैं वीडियो दिखाती हूँ, चलती हूँ वीडियो में। मैंने अपने बाल को जस्ट अभी कॉम्बिंग किया था, तो मेरे बाल पहले से ही सुलझे हुए हैं। एक बार मतलब चोटी करने से पहले एक बार फिर अपने बालों को आप लोग ना अच्छे से वो कर लीजिए, एक दो बार जो निकलते हैं उसको इधर कर लीजिए और बालों को फिर से पीछे करेंगे। सॉरी, मैं दिखा रही हूँ आप लोग देखते रहिएगा। कर देंगे फिर उसके बाद हम बालों को तीन भागों में बांटेंगे, जो कि सबको पता है कि ब्रश बनाने के लिए हम अपने बालों को तीन भागों में बांटते हैं। बस वो बोलते हैं ना आपकी ब्रश बहुत अच्छे बनते हैं, चोटी बहुत अच्छी आती है। एक बार ना अपने बालों को जब तीन भागों में बांट लीजिए ना, एक दो चोटी कर दीजिए, उसके बाद आप लोग कली कर दीजिए अपने बालों को। बनाते रहे चोटी, और मैं फिर टाइट टाइट से चोटी बनाती हूँ। जब हम आगे की साइड के बाल को लेंगे तो एक बार फिर से कंघी कर लेंगे, इससे क्या होती है कि चोटी बहुत सुंदर सी आती है और एक बराबर आती है। जिनकी रिक्वेस्ट है वो प्लीज़ ये वीडियो जरूर देखे, जिनकी वो लोग देखते हैं जिनकी रिक्वेस्ट वो वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं मेरे हर वीडियो पे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया है। जिनके लिए मैं ये बोल रही हूँ वो समझ जाएंगे, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, वो थैंक्स थैंक्स जरूर लिखेंगे, मुझे पता है। देखो आप लोग पूछते ना एक बराबर सी चोटी कैसे आती है, आप तो ऐसे बीच बीच में कहीं कर लिया करिए,
थोड़े थोड़े बालों को छोटी करके फिर थोड़े थोड़े करके फिर जो आप लोग ये कर लेंगे ऐसे। और ये हमें फोल्डेड हेयर बनाना है तो हम लोग पूरे बालों की चोटी करेंगे लास्ट तक। और आप लोग की रिक्वेस्ट रहती है ना कि 10 मिनट का वीडियो बनाया करिए, हम लोग देखेंगे। ये आप लोग के लिए है 10 मिनट की वीडियो। रात के बज रहे हैं 12:30। साढ़े 12 बजे बाल ना थोड़े से जो बड़े और छोटे हो जा रहे हैं ना, मैंने मुझे लगता है कठोर हो गया, तो इसको अब इधर से बाल थोड़ा सा ले सकते हैं। इधर से ले के बालों को और आप एक बराबर से छोटी कर सकते हो। कोई छोटी सही आएगी, कुछ भी ख़राब नहीं है। मेरे बाल थोड़े लंबे हैं, मैं ऐसे कर लेती हूँ पीछे, फिर मैं छोटी करती हूँ। ऐसे करने पे ना बाल बढ़ते हैं, ऐसे मोड़ के बाल में। ये छोटी कर लीजिए और इसको ऐसे मोड़ लीजिए। ये बच्चे जग रहे हैं, सो रहे हैं सब लोग। मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है उसको डिस्टर्ब हो रहा है। वो तो जो है मैंने छोटी कर ली है। मैं धीरे धीरे अपने बालों को फोल्ड करूँगी। ज़्यादा ही फोल्ड होगा मेरा बाल क्योंकि ज़्यादा लंबे हैं बाल, तो फोल्ड तो ज़्यादा ही होंगे। मैंने उनके लिए वीडियो बनाया था फोल्ड हेयर का, बट उन्होंने कहा था कि और ज़्यादा फोल्ड करना था, तो इसीलिए मैं उनके लिए और ज़्यादा फोल्ड कर लेती हूँ। इतना ही ना मैंने रिबन कहा रख दिया, ब्लैक रैक्स है ना तो रात में दिखने का। एक मिनट, उनका था मन कि आप जो है और मतलब फोल्ड करिए, ज़्यादा फोल्ड करिए, तो मैंने फोल्ड कर लिया है बालों को। इतना ही था ना, तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इतना ही था ना फोल्ड करना मुझे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा फोल्ड कर दिया था। उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि देखिए मैं पास ही करके दिखा रही थी आपको, मैसेज करके दिखा रही थी और ऐसे ही दिखा रही थी। ऐसे ही था ना, तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करके भी जरूर बताइएगा कि फोल्ड ऐसे ही करना था ना, इतना ही करना था ना फोल्डेड हेयर। ये मेरे लॉन्ग हेयर के, इससे बाल क्या होते हैं वो जल्दी जल्दी बाल बढ़ते हैं, बट मैं ऐसे नहीं करूँगी। मैं अपने बालों को भी खुला छोड़ दूँगी क्योंकि नीचे के बाल ना पहले मैं बहुत करती थी, नीचे के बाल मुड़े मुड़े से हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। बाल बढ़ते जाए थोड़ा सा कट करते चाहिए। जिसको लंबे बाल चाहिए, मेरे हो चुके हैं लंबे तो इसलिए मैं नहीं मोड़ती हूँ, और जिसको लंबे बाल चाहिए वो मोड़ मोड़ के बांधते रहेंगे ना ऐसे करके, तो जो है उनके बाल बढ़ते हैं। थोड़े थोड़े काटते जाइए, फिर मोड़िए, फिर बढ़ जाएंगे, फिर काटिए, ऐसे बाल जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि आपने बोला था, हाँ मैंने बोला था, और बाल सच में बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग पहले ऐसे ही रखते थे अपने बालों को ऑयल लगा के, ऐसे करके हम लोग कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते तो ऐसे ही जाते थे, कोई फैशन वैशन नहीं पहने थे हम लोग, ऐसे सिंपल जैसे अभी वैसे पहले भी रहती थी मैं। तो चलिए रिक्वेस्ट है आप लोग से कि मुझे सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा बना था। और जिनकी रिक्वेस्ट है ये प्लीज़ आप एक दो लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और सब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जिसको जिसको वीडियो अच्छी लगी तो, कि वीडियो कैसा बना है, क्योंकि मैंने मोबाइल ख़राब है फिर भी मैंने वीडियो एक दो बना लिया आप लोग के लिए कि अपलोड कर दूँगी। आप लोग को हेयर वीडियो, हेयर वीडियो रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की, तो मैंने सोचा मैं एक दो वीडियो शेयर कर दूँगी। मैं बहुत स्लो भी बोल रही हूँ, पता नहीं मेरे को डर लग रहा ना कि अगर नहीं आवाज़ आएगी तो फिर से मुझे एडिटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। और रात हो गई है तो मैं इसलिए गुड नाइट बोल रही हूँ, और मैं आजकल रात में ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि
दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं रात में बनाती हूँ, रात में वीडियो अपलोड करती हूँ। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके मुझे जरूर करके बताइएगा, और मेरा वॉइस टाइम जल्दी जल्दी बढ़ाइए और सपोर्ट करिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट शेयर लाइक जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा।